नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं साड़ी पर फॉल कैसे लगाती हूँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो कि साड़ी पर फॉल कैसे लगाते हैं। आज मैं लगाऊंगी साड़ी पर फॉल और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैं फॉल कैसे लगाती हूँ साड़ी पर। तो पहले तो मैंने क्या करा, फॉल को पानी में भिगो दिया था आधे पौने घंटे के लिए ना, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, जैसे चलिए अगर आप ड्रेसिंग वाली साड़ी फॉल लगा रहे हैं तो उसे तो फिर आपको धोने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप साड़ी भी ड्रेसिंग कराएंगे तो वो श्रिंक नहीं करेगी। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज की साड़ी भी फॉल लगा रहे हैं जो आपको रोज ही पहननी है, तो जब आप उसे घर में धोएंगे तो फॉल श्रिंक कर जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें फॉल को भिगो के रखना चाहिए ताकि जो भी उस पर कल्फ लगा हुआ है वो सब निकल जाए। बस उसे सुखा दीजिए और उसके बाद उसे अच्छे से प्रेस कर लीजिए और फिर हम साड़ी में फॉल लगाएंगे। अभी मैं प्रेस करूंगी उसको। तो देखिए दो तरीके होते हैं फॉल लगाने के ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तो होता है कि हम टांके लगाते हैं नीचे ना, नीचे मतलब इधर साड़ी के सबसे नीचे फॉल और साड़ी के साथ हाथ से टांके लगाते हैं। तो टाके के कौन से लगाते हैं, या तो हम करते हैं कच्चा करते हैं कितने लोग ना, तो लेकिन मैं कच्चे से नहीं लगाती हूँ, मैं कच्चा नहीं करती हूँ, मैं लगाती हूँ चंपे के टाके से फॉल। वो भी नहीं उधड़ती है और अगर बाई चांस वो उधड़ भी जाए तो वो क्या होता है कि जो हमारा कच्चा होता है ना उसमें तो आप धागा खींचेंगे तो धागा पूरा एक साथ निकल जाता है, तो काफी सारी फॉल उधड़ जाती है उससे ना, तो इससे नहीं उधड़ती है चंपे के टाके से ना। बाई चांस अगर आपके किसी चीज में अटक भी गया है, जैसे आपके बिछुए में या फिर आपकी सैंडल में जो डिजाइन बना हुआ है उसमें अगर ये अटक भी गया है तो ये नहीं उधड़ेगी, ये थोड़ा सा ही उधड़ेगी, जो अटका होगा वही धागा उधड़ेगा, नहीं तो नहीं उधड़ेगा। और या फिर हम लगा सकते हैं सिलाई मशीन से। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इस पे दिखाई देगा तो ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना आपको? हाँ, तो मैंने लगा रखी है सिलाई और ये तो बिल्कुल भी नहीं उधड़ेगी। आप समझ सकते हैं इस चीज को तो ना, कि अगर आपने नीचे सिलाई लगा दी है तो ये नहीं उधड़ेगी और इतनी महीन होती है सिलाई कि दिखती नहीं है। अगर आपको ये हो कि सिलाई दिखाई देगी तो नहीं दिखाई देगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस टाके से फॉल लगानी चाहिए, आइए मेरे साथ। ये है फॉल का उल्टा हिस्सा, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये फॉल का उल्टा हिस्सा है, तो हम इसको उल्टे हिस्से की तरफ ही ऐसे मोड़ेंगे और इस पे हम प्रेस करेंगे। ये जो फॉल हमने फोल्ड करी है इस पे हम कच्चा कर देंगे, ऐसे हमने दोनों तरफ से इसको कच्चा कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम चंपे का टाका लगाते कैसे हैं और उसी से हम पूरी फॉल लगाएंगे उसी टाके से। अगर आप उस टाके से फॉल लगा रहे हैं तो आपकी फॉल नहीं उतरेगी, बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है कि चंपे का टाका किसे कहते हैं और ये कैसे लगाया जाता है। ये ऐसे आ गया ना, अब हम इसके पीछे इस धागे के पीछे लेंगे सुई को ऐसे और आगे निकालेंगे। ये देखिए, ये ऐसे निकालेंगे, ऐसे खींच देंगे, दिख रहा है आपको छोटा सा? इसलिए मैंने कंट्रास्ट कलर लिया है। देखिए हम इसके पास से ऐसे निकालेंगे और ऐसे, क्योंकि ये टाका ऐसे पीछे से होके आएगा तो ये नहीं उधड़ेगा जल्दी से। ऊपर भी और नीचे भी हम फॉल लगाने में यही वाला टाका इस्तेमाल करेंगे। ये देख लीजिए आप एक बार, और ये हमारा धागा इधर सुई इधर निकाली हमने, अब हम इसके पीछे लेंगे और ऐसे। बस हमें दो या तीन तार उठानी है कपड़े की ना, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, मतलब इतना ऐसे इतना बड़ा बड़ा नहीं लेना है। देखिए ये इतना बड़ा बड़ा नहीं लेना है और ये देखिए पीछे से ये ऐसे आता है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो चलिए अब लगाते हैं साड़ी पर फॉल। ठीक है, ये हमारा पल्लू है,
और ये हमारी पूरी साड़ी। तो हम साड़ी पे फॉल कैसे लगाते हैं? इस तरफ से हमें ऊपर नीचे देखना होता है। देखिए आजकल तो बॉर्डर होता है हर साड़ी में ना, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट है, तो हमें यहीं पे लगानी है, इस तरफ फॉल लगानी है, ठीक है ना। कितनी बार होता है ना गलती से हम जो हिस्सा ऊपर आता है साड़ी का, जिसे हम पेटीकोट के अंदर डालते हैं, उड़ेसते हैं उसको, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, इस पे लग जाती है गलती से। तो इस गलती का ध्यान रखना है। अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर नहीं बना है तब आप चेक कर सकते हैं साड़ी को लगा करके, अपने उल्टे हाथ की तरफ से साड़ी लगाइए अपनी नाभी के पास, और जो हिस्सा नीचे आ रहा है आप उस पर फॉल लगानी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए लगाते हैं फॉल। तो इतना हम छोड़ देंगे इसको और उसके बाद हम फॉल लगानी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें ऊपर पर्पल कलर आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने पिंक कलर का धागा नहीं लिया है। अगर मैं पिंक कलर का धागा लूँगी तो यहाँ पर लूँगी, ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इतना पता नहीं चलेगा। और अभी अगर मैं पिंक यहाँ पे लगाऊंगी तो दिखाई देगा अलग से ना, तो मैं इतने हिस्से पर पर्पल कलर के धागे से ही लगाऊंगी फॉल। तो चल लगाते हैं, ये देखिए और हम फॉल को ना अपनी साड़ी से थोड़ा सा आगे रखते हैं, ये देखिए ऐसे क्यों रखते हैं, ताकि फॉल घिसे चलने में हमारी साड़ी नहीं। तो देखिए नीचे ना ये लग गई सारी साड़ी पर फॉल, आपको दिख रहे ना ढाके, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कच्चा, मतलब फॉल के ऊपर की तरफ हम कच्चा करेंगे, ताकि हमें सुविधा रहे। आप चाहे तो किसी टेबल पे रख के या फर्श पे रख कर के, या फिर कोई समतल चीज़ भी रख सकते हैं, जैसे थाली वगैरह रख के आप कच्चा कर लीजिए। मैं तो थाली रख कर ही कच्चा करती हूँ। और ये देखिए ऐसे हम ऊपर की तरफ सीधी तरफ से ही कच्चा कर लेंगे। आप चाहे सीधी तरफ से कीजिए चाहे उल्टी तरफ से कीजिए, बस ध्यान रखिए कि झोल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए हमारी पूरी साड़ी में कहीं झोल नहीं आया है। अब हम इसके ऊपर वही टाका लगाएंगे जो हमने टाका नीचे लगाया है, ठीक है ना, यही वाला टाका सेम हम ऊपर लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाएंगे, देखिए आप या तो टाका सीधी तरफ से लगा सकते हैं या फिर उल्टी तरफ से भी लगा सकते हैं। तो देखिए अगर हम उल्टी तरफ से टाका लगाते हैं तो टाके थोड़े बड़े आते हैं, और क्योंकि इसके ऊपर गोल्डन वर्क हो रखा है ना ये, तो इसमें यह क्या है कि इसकी वजह से साड़ी के नीचे ना फॉल दिखाई नहीं दे रही ढंग से, तो इसलिए हम उल्टी तरफ से लगा रहे हैं इसमें। मैं अभी भी आपको दिखाऊँगी बाद में कि टाके कितने बड़े आएंगे। तो चलिए इसे पूरा फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने पहले कपड़ा फोल्ड किया था ना उसका फॉल का, तो उसे हम तुरपाई के द्वारा साड़ी पे अटैच करेंगे। नीचे की सिलाई पूरी करने के बाद अब हम पहले इसे अटैच करेंगे और फिर हम ऊपर की तरफ टाके लगाएंगे। तो देखिए पीछे तो मैंने आपको बताया कि जब हम उल्टी साड़ी पे लगाएंगे तो कैसे करेंगे, और इधर अगर हम सीधी तरफ से लगाते हैं टाके तो हम इस तरीके से टाके लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और देखिए इस तरीके से हम अपनी पूरी फॉल फिनिश कर देंगे, इधर नीचे पक्का कर देंगे, तुरपाई करेंगे साइड में। तो ये देखिए हमारी पूरी फॉल पे कहीं भी झोल नहीं आया है और हमारी साड़ी पे फॉल अच्छे से लग गई है। और ये देखिए
मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम सीधी तरफ से टाँके लगाते हैं तो टाँके इतने छोटे आते हैं, देखा आपने ये, लेकिन जब हम उल्टी तरफ से लगाएंगे साड़ी पर तो टाँके थोड़े बड़े आएंगे। ये देखिए थोड़े बड़े टाँके हैं क्योंकि उसके गैप का थोड़ा फ़र्क रह जाता है। तो ये साड़ी पे गोल्डन वर्क की वजह से नहीं हो पाया था। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें और अपने दोस्तों में आप इसे शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।